बी ग्रो नेशन ग्रो। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आज मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं किस तरीके से हम खुद को बढ़ा के नेशन को ग्रोथ दे सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको समझना। माननीय मोदी जी ने इस समय जो एक लहर चलाई है बहुत ही अच्छी लहर है, बी ग्रो नेशन ग्रो को जो दूसरे शब्दों में उन्होंने बोला है वो बोला है आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों मैं जब छोटे क्लास में था तो मेरे नोटबुक थी, उस नोटबुक के लास्ट में लिखा था बी ग्रो नेशन ग्रो। कितना बड़ा वर्ड है ना और कितनी छोटी सी लाइन में लिख के किसी ने रख रखा था वहां पे। मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर आपको कुछ लोग अभी आजकल जो एक न्यूज चल रहा है ट्रेंडिंग न्यूज आपने देखा होगा 59 ऐप डिलीट करो एंड वाह 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 जो भी है, लेकिन मैं नहीं मानता है सब चीजों को। ठीक है डिलीट किया बहुत अच्छी बात है, बट उसके ऊपर पॉलिटिक्स मत करो। लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसके ऊपर, मीडिया तो इस तरीके से मतलब क्या कहें, इसमें हमारी जो बिकी हुई मीडिया है ना मीन्स उसका कुछ भी कर सकते हो आप। देश को बर्बाद करने जो सबसे बड़ा हाथ है किसी का अगर तो लीडर्स के बाद उनका है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे डाटा को तोड़ मरोड़ के हमारे ब्रेन में डालना चाहते हैं और हमारी भोरी जनता को इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं कि वो बन जाती है। कहीं ना कहीं उनके पास भी एक्सपर्ट है जो कि गलत कर रहे हैं, लेकिन अगर काश वो ये इन वर्डों पे फोकस करते कि अगर आप बढ़ेंगे, अगर उनका प्रोग्राम इस तरीके से होता कि आप खुद को कैसे बढ़ाएं, बिलीव करो चुटकी में आपके देश का ग्रोथ होता। लेकिन वो बेवकूफ कुछ नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हम किस तरीके से घिरे रहें, किसके तरफ से आ रहा है पैसा उसके तरफ कैसे मोल्ड करें। दूसरा वाला सोच रहा है किसके तरफ से आ रहा है पैसा उसके तरफ कैसे मोल्ड करें। अभी तो मतलब मैं देख रहा हूं लोग बीजेपी कांग्रेस कांग्रेस बीजेपी, अरे यार छोड़ो, जिस पार्टी का अस्तित्व खत्म होने को रहा उस पार्टी को भी तुम ब्लेम कर करके, मतलब ये तो वही हो गया कि किसी को तुमने मार डाला है उसके बाद ही खाट 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 कर रहे हो। अरे अब क्या है यार, जो मर गया उसको छोड़ दो ना यार, आगे सोचो, विकास की बात करो, ग्रोथ की बात करो, सोचो कि अब कैसे जॉब दे सकते हैं। ये सब नहीं है, वो उसके घर का रेंट इतना होता था, सोचो कैसे वो अत्याचार करता था, उसने देखो कितना बड़ा घोटाला किया, अरे तुमने क्या किया। ये एक जनता की आवाज है, एक जनता का गुस्सा है, इसको समझो कि हम क्या कर सकते हैं। लोगों के दिमाग में बस ये चल रहा है कि यार उस पर कैसे ब्लेम कर दूं, यार यही जो आप कर रहे हो यही हमारे लोग तो पड़ोसी कर रहे हैं, पड़ोसी इन द सेंस आपके अगल बगल वाले क्या कर रहे हो बेटा, डोमिनेट करने की कोशिश, देखो कुछ नहीं कर रहा है, देखो ये कुछ नहीं कर रहा है। अरे छोड़ो ना यार, बी ग्रो नेशन ग्रो, कुछ ऐसा बताओ अपने बगल वाले लड़के को कि वो अच्छा काम करके देश की उन्नत करे। बनते देशभक्त हो और करते हो थू 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 पड़ोसी के बच्चे पे जो कि वही कल का भविष्य है। तो ये गुस्सा भी यही है क्या कि अगर हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो उसको डोमिनेट मत करो ना यार। ये सोचो कि किस तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं, खुद को कर लो यार। अगर किसी को नहीं कर पा रहे हो तो डोमिनेट करना छोड़ो, गलत पॉलिटिक्स खेलना छोड़ो। लोगों के दिमाग में जो गंदी पॉलिटिक्स चल रही है वही पॉलिटिक्स देश में भी दिख रही है। अभी लोग पाकिस्तान चीन मतलब फुल टाइम फोकस उस पे, अच्छी बात है हमको चीन को हराना है, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए 59 ऐप डिलीट करना, चलो मैं डिलीट कर दिया उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ये मोबाइल भी फेंको ना। अब लोग कंफ्यूज होंगे मोबाइल कैसे फेंक दूं, मैं खुद भी वीडियो जो बना रहा हूं ये वीडियो में बना रहा हूं चाइना के मोबाइल से, आप क्यों नहीं सोच रहे हो कि मेरी खुद की मोबाइल हो, इंडिया का ब्रांड आए, क्यों सोचो ना। आप सोचो कि हम किस तरीके से कर सकते हैं हर चीज को, हम किसी के दूसरे के ऊपर न जाएं। इसमें जो वर्ड आ रहा आत्मनिर्भर भारत, उसके लिए क्या कर रहे हो। ये बात आपको सुनने को हो गया वो लगभग 2 महीने हो गए होंगे, फिलहाल तो हमको पहले से पता है कि हमको आत्मनिर्भर बनना है, हमें अनुशासन में रहना है, बहुत अच्छी बात है, बट हम कर क्यों नहीं रहे। पता है क्यों? इसी गंदी पॉलिटिक्स की वजह से। हमारे पास कोई भी ऐसा बच्चा अगर रिसर्च करने की सोचे तो उसको कोई किसी भी तरफ से सपोर्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। कोई भी सोचे कि मैं इसका मेडिसिन खोजूंगा, बिलीव करो सपोर्ट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कुछ बड़े फंड हैं जिनके जो थोड़े बहुत रिसोर्सेज होते हैं उसके थ्रू सोचते हैं। हमारा जो क्रीम मटेरियल होता है उसको तो कोई और उठा ले जाता है, आपको अच्छे तरीके से पता है। क्यों? क्योंकि हमारी औकात ही नहीं है उनको झेलने के लिए। वर्ड सच्चे हैं, थोड़े से कड़वे लग सकते हैं, सॉरी यार मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय जरूरत है। अगर हम आत्मनिर्भर भारत बोल रहे हैं तो इसके ऊपर कोशिश भी करें ना, हम बनने की कोशिश करें। क्यों हम किसी और की मोबाइल यूज करें, क्यों हम किसी ऑटो मटेरियल यूज करें, क्यों हम किसी और का, अभी जैसे मैं मोबाइल पर वीडियो बना रहा हूं तो मैं एक स्टैंड यूज कर रहा हूं, स्टैंड में चाइना के स्टैंड है, क्यों हमारी क्यों नहीं।
हमारे मटेरियल सस्ते क्यों नहीं है? हमारी गवर्नमेंट उसके इंटरेस्ट को कम करके सस्ते दामों पर क्यों नहीं ले आने चाह रही है? रॉ मटेरियल अगर हमारे पास सस्ते दामों में मिलेंगे, मटेरियल हम सस्ता बनाएंगे क्यों? सपोर्ट देना तो यहां सपोर्ट दो, इतना लाख करोड़ यहां, इतना लाख करोड़ वहां मत करो। सिर्फ और सिर्फ बी ग्रो नेशन ग्रो, हमें खुद को बढ़ाना है, और जैसे खुद को हम बढ़ाएंगे बिलीव करो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम मतलब आप, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो गरीब बच्चे को हम पढ़ा दें। सबसे बड़ा अगर कुछ डोनेट आप करना चाहते हो तो कोई गरीब बच्चा उसको पढ़ा दो यार, खत्म। लेकिन क्या दिक्कत क्या है ना, वो पढ़ लेगा ना तो समझदार हो जाएगा, और समझदार हो जाएगा तो क्रीम हो जाएगा, और क्रीम हो जाएगा तो उसे कोई और उठा ले जाएगा। ये प्रॉब्लम है, थोड़ा विचार करो इन कड़वे शब्दों पे, थोड़ा विचार करो। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि सब तक पहुंचे, उन तक पहुंचे जिनकी आंखें बंद हुई हैं, जो चंद पैसों के लिए जो वर्ड बोला जाता है उस वर्ड को आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं। यहां पे कोई भी चंद पैसा नहीं है, सिर्फ हमारी और आपकी आवाज है जो आगे तक पहुंचनी चाहिए। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। जय हिंद, जय भारत।